हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ एकदम इंस्टेंट डोसा, जिसमें हम ना ही सोडा इनू किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ चावल के आटे से बनाएंगे, फिर भी इतना क्रिस्पी डोसा बनेगा और एकदम फटाफट बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक वाटी भर के चावल का आटा लिया हुआ है। आपके पास ये चावल का आटा ना हो तो सादा चावल को आप पीस के छान के इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा एक चम्मच जितना बेसन डाला है, चने का आटा जो नॉर्मल यूज करते हैं ना वही, और एक चम्मच क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए रवा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारा डोसा क्रिस्पी बना रहेगा। अभी हम लोग ने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। इन सभी चीजों को मिक्स करके लेंगे। अभी इसमें एक एक करके मैं सब्जियां डाल रही हूँ। गाजर को मैंने कद्दूकस करके लिया हुआ है और इतने बैटर से अपने कम से कम 4 से 5 डोसा बनेंगे। आधे प्याज को मैंने कट करके लिया हुआ है, एकदम बारीक कट करके डालिए आप जो भी डाल रहे हो ना इसमें सब्जियां। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, साथ में थोड़े से मिर्ची के टुकड़े डाल रही हूँ और चिली फ्लेक डाल रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे तो चिली फ्लेक नहीं डालेंगे तो भी टेस्टी लगेगा। और आपको ज्यादा तीखा खाना है तो काला मरी का पाउडर डाल दीजिए। अभी अच्छे से घोल को मिक्स करके लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे अपने को एक साथ ज्यादा पानी नहीं डाल देना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी की वजह से डोसे में कितना फर्क पड़ेगा वो मैं आगे बताती हूँ। इसीलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने को एक पतला बैटर रेडी करना है। देखो, पहले ज्यादा पानी नहीं डाल देना है, अच्छे से मिक्सचर को अपने को मिक्स करना है। देखो, अभी अपने को और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्सचर को और रेडी किया है। देखो, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अभी अपने को क्या करना है, इसको रख देते साइड में थोड़ी देर के लिए। तब तक इसके साथ खाने के लिए एक चटनी रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 चम्मच के आसपास तेल गरम करके लिया हुआ है। ये साउथ की फेमस कांदा टोमेटो की चटनी है। उसमें लहसुन डाल के लेंगे 4 कली, कड़ी पत्ता की थोड़े डाल के ले रही हूँ मैं, और थोड़े से मैंने चना की दाल रहती है ना वो डाल रही हूँ मैं। साथ में मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर को कट करके लिया हुआ था। 3 कांदे को मैंने छिलके निकाल के कट करके लिया हुआ था, वो डाल देंगे हम लोग और इसको अच्छे से मिला के लेंगे। सूखी वाली लाल मिर्ची की वजह से अच्छा कलर आ जाएगा। देखो, अच्छे से तेल में होने देना है अपने को इसको, और फिर मिक्स करके थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे ये जल्दी पक जाएगा। और इसको ढक देंगे, हार्डली 5 से 7 मिनट के लिए ढकेंगे। तब तक अपने टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके रहेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो थोड़े और कच्चे लग रहे थे, तो 2 मिनट के लिए मैंने और रख दिया। हल्के से पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है अपने को। बहुत ही चटनी बहुत मस्त लगती इसकी। अभी इसको हो गया, फिर मैंने इसको क्या किया, गैस की फ्लेम बंद कर दी है अभी, और फिर मसाले करके लेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और देखो, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच के आसपास डाला है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के लेंगे। नमक ऑलरेडी डाल दिया था इसीलिए नहीं डालेंगे। अभी इसको ठंडा होने देंगे, फिर मिक्सचर जार में लेके इसको पीस के लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे चटनी को, गाढ़ी रहेगी थोड़ी सी। देखो, तो इस तरह से मैंने पीस के रेडी कर लिए ठंडा होने के बाद। सभी को मैंने एक वाटी में निकाल के ले रही हूँ चटनी को। और ये चटनी 4 से 5 दिन तक खराब नहीं होती। थोड़ा वही मिक्सचर जार में पानी डाला और निकाल के लिया वो भी। अभी इसके ऊपर तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए तड़के पैन में 1 चम्मच के आसपास मैंने तेल गरम करके लिया हुआ है और थोड़े राई के दाने डाल दिए इसमें। थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे, सूखे वाले मिर्ची 2 डाल रही हूँ टुकड़े, और फिर ये तड़का हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस से हमारी कांदा टमाटे की चटनी रेडी है। कोई भी साउथ इंडियन डिश या फिर नॉर्मल रोटी चावल के साथ भी ये चटनी काफी टेस्टी लगती है। एक बार इस तरह से चटनी बना के जरूर ट्राई करना। अभी देखो, बैटर की कंसिस्टेंसी बताती हूँ। इसको मिक्स करके लिया है बैटर को मैंने। तवे को अच्छे से गर्म करना है। कभी भी डोसा बनाने के लिए तवा अच्छा गर्म रहना चाहिए। फिर पानी डाल के मैंने टेम्परेचर मीडियम करके लिया और फिर से ब्रश की मदद से तेल को ग्रीस करके लिया, तेल से सिर्फ तवे को।
एकदम नई जैसे तेल में बन जाता है। अभी मैंने बैटर की कंसिस्टेंसी जैसे बताई, ये देखो थोड़ा गाढ़ा था इसके वजह से ये बैटर डालने के बाद फैला नहीं खुद की तरह से, नहीं तो क्या होगा, इसमें भी ये होगा जालीदार बनेगा, मगर ये है ना सॉफ्ट बनेगा, थोड़ा मोटा रहेगा ना इसके वजह से। अभी इसी में मैंने 2 वाटी पानी डाला था पहले, अभी और 1 वाटी डाल रही हूँ। तो जो वाटी से चावल काटा लिया ना, वो वाटी से 3 वाटी मेरा पानी लगा है, मगर चावल की कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है पानी कितना लेगा वो, इसीलिए पहले थोड़ा पानी डाल के डोसा मैंने किस तरह से ट्राई किया वैसे कीजिए। और तवे को भी देखो, पहले पानी डाला तो बबल्स नहीं हो रहे थे, और बाद में पानी डाला तो अच्छा बबल्स हो रहे थे। तो उतना गर्म करना है अपने को, और फिर अपने को इस तेल से ग्रीस करके लेना है, और गैस की फ्लेम हाई रखनी है अपने को, अच्छे से हॉट रहना चाहिए तवा, मगर ज्यादा ही धुआं निकले उतना भी नहीं रहना चाहिए। देखो कुछ इस तरह से गर्म हो चुका है, अभी बैटर जो है वो नीचे बैठ गया रहेगा, इसीलिए कभी भी मिक्स करके फिर डोसा आपको बनाना पड़ेगा। और तवे पे डालते ही देखोगे तो एकदम जालीदार इस तरह से खुद ब खुद फैलने लगेगा, आपको चमचे की मदद से फैलाने नहीं पड़ेगी डोसे को। और जहां जहां ये आपको छेद ज्यादा बड़े दिख रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा वहां पे बैटर डालते जाइए, और डोसे को इस तरह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम आसानी से कोई भी न्यू बिगिनर्स भी ये डोसा बना लेगा। अभी गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए आपको नीचे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता ना, तब तक डोसे को पकने देना है। ये डोसा पकने हार्डली 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, मगर एकदम क्रिस्पी डोसा रेडी होगा। ऊपर से ड्राई लगने लगे ना, उसके बाद मैंने थोड़े से तेल लगा के लिया है। आप तेल घी बिगर भी ये डोसा बना सकते हो। देखो नीचे से इसे लाल दिखने लगा है, और साइड देखोगे ना खुद ब खुद छोड़ने लगेगी डोसा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, खुद ब खुद ऐसे लाल दिखने लगे ना गोल्डन ब्राउन जैसा। उसके बाद इसको पलटना है, आप चाहिए तो एक ही तरफ पका के खा सकते हो, मगर मैं हल्का सा पका के लेती हूँ दूसरी ओर से भी। देखो इसको आसानी से पलट लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको बैटर का कंसिस्टेंसी प्रॉपर रखना है, तवा अच्छे से गर्म करना है, और बैटर को अच्छे से फैलाना है, जो जिस तरह से मैंने बताया वैसे साइड से फैलाना है, कभी भी बीच से बैटर नहीं डालना है, साइड से कवर करना है। देखो एक बात याद दिला दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर।